हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कहते हैं ना, प्रत्येक पत्थर चमकदार नहीं होता, प्रत्येक पत्थर चमकदार नहीं होता, प्रत्येक दोस्त वफादार नहीं होता। बागों में जितने भी फूल खिलते हैं दोस्तों, प्रत्येक फूल खुशबूदार नहीं होता, आइए इसी साथ एक नए अंदाज, एक छोटा सा वर्ड जिसके माध्यम से हम आज काफी इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए एक वर्ड दिखाएं आज, जिसका नाम है वंस। वंस ना होता है एक बार, है ना। वंस मीन्स क्या होता है आपको, एक बार। एक सेंटेंस यहाँ पे है, एक बार सोचो तो सही, अब है बनाना कैसे है, बहुत आसान अंदाज इसका। एक वर्ड सीखे हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे जो वर्ड है ना, एक बार सोचो तो सही। गणित क्या है, एक बार सोचो तो सही, यानी कि अभी सोचिए, है ना। तो अभी सेंस में आता है जस्ट। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक वर्ड यूज करना है जिससे सोचो तो सही, तुरंत तो सोचना है। एक बार आओ तो सही, एक बार आइए तो सही, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वर्ड वर्ड यूज करते हैं जस्ट। यहाँ पे देखिए क्या, जस्ट। उसके बाद जो काम होगा, सर खाओ कहीं हम रात ईट होता है, सोचो ठीक हो जाएगा, पियो का ड्रिंक हो जाएगा, तो एक बार पियो तो सही, पता चल जाएगा टेस्ट कितना जबरदस्त है, है ना। सेम उसी अंदाज से यहाँ पे क्या है, सोचो तो सही, वर्ड जस्ट, उसका सोचो इस क्या आपको थिंक। अब है क्या, एक बार वंस, कितना सिंपल है, पीछे से हम बढ़ाते जाएंगे। तो सही का सेंस जो आता है वहां पे जस्ट हमें देना है, जस्ट थिंक वंस, एक बार सोचो तो सही। सेकंड सेंटेंस है, एक बार बैठो तो सही, जो भी करना है बैठो करो तो, है ना। ये सेंस हम यूज करते हैं ना, एक बार बैठो तो सही। तो बढ़ाएंगे सबसे पहले क्या था आपको, तो सही, यानी कि जस्ट। जस्ट बैठो या बैठिए, दोनों स्कूल में होगा ना, वहां पे सीख ही देंगे, एक बार बैठिए तो सही, तब बात किया जाएगा। तो बैठो या बैठिए, इसके अलावा आपको सीट, यानी भर का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तो सीट, जस्ट सीट वंस, एक बार बैठो तो सही। आई होप आपको समझ आए होंगे इस चीज को, बहुत सिंपल अंदाज है, आज के डेट में हम काफी यूज भी करते हैं इसे। एक बार उसको फोन करो तो सही, एक बार देखो तो सही, जब बनाएंगे इसको पहले क्या देना है आपको, जस्ट, यहाँ पे देंगे जस्ट, उसके जस्ट बाद क्या है, देखने के बाद किया गया है, है ना। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं लुक, जस्ट लुक, या सी को दे सकते हैं, जैसे इंसान को देखने के बाद किया जाएगा, तो उसे देखो तो सही। तो एक भी यहाँ पे है कोई सामान का बताया जा रहा है आपको, तो बोर्ड तरफ बोलते हैं ना, बोर्ड तरफ देखो तो सही क्या लिखा हुआ वहां पे, उसे उस सेंस में किस चीज को इंडिकेट करते हैं, देखना है ना, तो वहां पे हम लुक वर्ड यूज करते हैं। और ये किसी इंसान के सेंस में जब होगा तो वहां पे क्या आपको सी देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा, जिस एक बार देखो तो सही, जस्ट लुक, फिर यहाँ पे वंस, आपको किस इंसान सेंस में हो वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे, आप वहां पे सी भी दे सकते हैं, जस्ट लुक वंस या जस्ट सी वंस, एक बार देखो तो सही। ध्यान देंगे ये किसी व्यक्ति विशेष में होगी, ये कोई चीज तो आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो वहां पे लुक वर्ड यूज किया जाएगा। एक बार ना, एक बार हाँ बोलो तो सही, न तो अफा देंगे तो कहना, है ना। एक बार हाँ तो कहिए, है ना, देख रहे हो उसको काज क्या है। तो बहुत ये सेंटेंस आज के डेट में यूज किया जाता है, है ना। अब है क्या, बनाना कैसे है, सबसे पहले हम देना क्या, एक बार हाँ बोलो तो सही, तो सही नीचे यहाँ पे आएगा आपको जस्ट, उसके बाद क्या है, बोलने के बाद क्या गया है, यहाँ पे सी या एस पी भी दे सकते हैं, जस्ट एस पी क्यू, यस, जस्ट स्पीक, यस हाँ, एक बार वंस, एक बार हाँ बोलो तो सही, एक बार खिलाओ तो सही, पता चल जाएगा कितना खाता है कि नहीं, और एक बार पार्टी दो तो सही,
इस तरह से जितना भी होता है ना आप आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जस्ट ऑडियंस करना है, जो काम होगा ना उसका भाग का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म जो थे वो देना है, लास्ट में क्या वंस एक भाग है तो वंस है ना बनाएंगे इसमें जस्ट खिलाओगे क्या फिर हो जाएगा आपके जस्ट फिर वंस। एक मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार खाओ तो सही, आप खुद से बनाएंगे और कमेंट में मुझे इस चीज को साबित कर दिखाना है आप लोग को, जो इतना जो हम पढ़ाए हैं ना वो आप अच्छी तरह समझ गए, कमेंट में इसको बना के आपको हमें भेज दीजिएगा क्या हो जाएगा। सेंटेंस है एक आपके भी एक बार यहाँ खाओ तो सही कहते ना कोई होटल होता था इस होटल में खाइए तो सही पता चल जाए कितना टेस्टी मटन चिकन बनाता है यहाँ पे, एक बार यहाँ खाओ तो सही। डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स आप इसे खुद बनाएंगे क्या, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।